सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। सो आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छा विन भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो जो हॉकी का मैच होने वाला है, FIH प्रो लीग वुमेन्स लीग का जो मैच होने वाला है, नीदरलैंड वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन का मैच है। टाइम देख सकते काफ़ी कम बचा है, सो फटाफट वीडियो को देखना और अपनी टीम बना लेना बढ़िया से और विन करना, और वीडियो को आखिर तक देखना इसको, क्योंकि मैं इसमें सारे पॉइंट जो है कवर कर दूंगा सब आपको। डाटा प्रोवाइड लाइनअप और टीम कैसे बनानी है वो आपको मैं बता दूंगा। सो आखिर तक देखना और आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको प्रीव्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो लाइनअप आएगी इस मैच की वो मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर कर दूंगा, और जो चेंजेस होंगे टीम में वो मैं फाइनल टीम जो है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए, बाकी वहाँ से नहीं तो आप इधर से जो टेलीग्राम के सर्च बार में अगर आप टीम्स फॉर विन सर्च करेंगे, ये वर्ड आप देख सकते हैं, ये वर्ड आप देख सकते हैं टीम्स फॉर विन, तो ये आप सर्च करेंगे तो आपको जो है चैनल मिल जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, बाकी सिर्फ इसी मैच की नहीं बाकी सभी मैचेस की जो टीम्स है वो टेलीग्राम चैनल पर हम डालते हैं। तो ज्वाइन कर लेना फटाफट से और विन करना बढ़िया से, तो फ़ायदे फ़ायदे हैं आपके। बाकी चलते हैं अपने प्रीव्यू के ऊपर। तो जो मैच होने वाला है नीदरलैंड वुमेन वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जो वो इंग्लैंड का ही नाम है, सो नीदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड का जो ये मैच होने वाला है। बाकी वेन्यू की बात करें विजनर हॉकी स्टेडियम, जिसमें वुमेन्स मैंस और वुमेन दोनों के मैचेज हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, एम्स्टलविन वहीं नीदरलैंड जो हॉकी नीदरलैंड का होम ग्राउंड है ये। बाकी रेडलाइन की बात करें 9 बजे जो इस मैच के रेडलाइन होने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल अगर आप वहाँ से नहीं देख पाते तो ये देख लेना, टीम्स फॉर विन आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। रिसेंट फॉर्म की बात करें दोनों टीम्स की, तो पिछले 5 मैचेस में नीदरलैंड ने 4 मैचेस जो है विन किए, पिछला मैच भी अपना जो विन करके आए 1-1 से बराबर रहा था, बाकी पेनल्टी शूट आउट में जीत गए थे ये। नीदरलैंड की बात करें देख सकते हैं 5 में से 4 मैच विन किए, 1 मैच जो इन्होंने हारा है। बाकी वहीं पे इंग्लैंड की बात करें पिछले 4 मैचेस में 2 विन है इनके, 2 लॉस है, बराबर रहा है थोड़ा। पिछले मैच को जो ये हार कर आए थे, ड्रॉ इन्होंने कर दिया था, बाकी पेनल्टी शूट आउट में फिर ये हार गए थे। टेबल स्टैंडिंग्स की बात करें नीदरलैंड जो है 2nd पर है, इंग्लैंड जो है 6th पर है, दोनों ने ही बराबर बराबर मैच खेले। करीब नीदरलैंड ने 6 मैच खेले जिसमें से 4 मैच इन्होंने विन किए, 1 जो है वो हारे, 1 ड्रॉ रहे। बाकी गोल डिफरेंस की बात करें तो 20 गोल इन्होंने स्कोर किए, बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं 6 मैचेज में 20 गोल, तो 20 इन्होंने स्कोर किए, 6 जो इन्होंने कंसीड किए गोल। इंग्लैंड की बात करें 7 गोल इन्होंने जो है स्कोर किए, बाकी 5 कंसीड किए। बाकी इनका आप देख सकते हैं 5 मैचेज में सिर्फ 1 ही जीते हैं अब तक, 3 जो इनके ड्रॉ रहे हैं, 1 लॉस रहे। और इनके स्क्वाड की बात करें तो आपको बता दूं कि जो पिछला मैच हुआ था उस स्क्वाड के ऑलवे 2-3 चेंजेस हुए हैं, स्क्वाड में कुछ मेन प्लेयर्स हैं जो वापस आए हैं, तो आपको मेन प्लेयर जो वापस आए हैं वो बता देता हूँ। मेलोन फिनिक्स जो वापस आई है मिडफील्डर सेक्शन में आपको ये मिल जाएगी। बाकी जो एक और आई है वो है फ्रेडरिक मातला, इनकी जो मेन स्ट्राइकर थी, 72 मैचेज में 43 गोल रिकॉर्ड इनका काफ़ी अच्छा है, 2 मैचेज में 1 गोल इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ किया है, काफ़ी अच्छा है। आज की मैच की कैप्टन से वाइस कैप्टन भी अच्छी रहेंगी है, गोल करने के इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बाकी इन जो नीदरलैंड के स्कोर से मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो आपको बता देता हूँ, इधर से जो जॉन डी वार्ड काफ़ी अच्छी प्लेयर है, और इधर से लेडविस वेल्टन, काया वान मासेकर, जिनको आप स्मॉल लीग में मिस नहीं कर सकते, या फिर इनको लेना है आपको सेफ पिक के उस पर। जेनेलो जर्बो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है पर सेफ पिक भी है आपके लिए, एक रिस्की जो एक प्लेयर होती है जिसको आप मतलब टीम में आप एक रिस्की प्लेयर लेते हैं जिसके वजह से आपकी टीम सबसे अलग बनती है, सो जेनेलो जर्बो एक वही प्लेयर हो सकती है आपके लिए। और इधर से मैं बताऊँ तो लॉरेंस टैम डिफेंडर से, बाकी एवाडो गोइड काफ़ी अच्छी प्लेयर है, 2018-19 की प्लेयर ऑफ द ईयर रही थी। बाकी फ्रेडरिक मातला मैंने आपको बता ही दिया, और पीएनडिक जो अपने पहला ही मैच खेला था इन्होंने अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसी में इन्होंने गोल कर दिया था, सो ये आपको मैंने बता दिया रिकॉर्ड। आप ये सब मैं पढ़ के बताने कोई फ़ायदा नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके या फिर आप देख लेना आराम से। बाकी इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करें तो इनमें भी कुछ चेंजेस हुए, होली हंट आई है सारा इवांस की जगह पर, सिर्फ एक ही चेंज है इनका, बाकी और कोई आया नहीं है इनकी टीम में। सो इनके मेन प्लेयर्स की बात करें लोरा एंसवर्थ है, एना टोमान इनकी काफ़ी अच्छी प्लेयर है डिफेंडर सेक्शन से दोनों ही। बाकी मिड से बात करें तो जो है टैसा हावर्ड काफ़ी अच्छी है, और इधर से और कोई तो है नहीं इंग्लैंड की उसमें टीम में, इंग्लैंड थोड़ी वीक टीम है नीदरलैंड के कंपेयर में, और इनके खिलाफ थोड़ी थोड़ी वीक पड़ती है, जीतने के चांसेस अब आज भी नीदरलैंड के ज़्यादा ही हैं। बाकी
आगे देखते हैं मैच में। और मैं आपको और प्लेयर बताऊं तो एमी कोस्टेलो आपके लिए एक रिस्की प्लेयर हो सकती है, ग्रैंड लीग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं इनको, बाकी और तो है नहीं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, अब तक 8 मैचेज हुए, 4 मैच जो नीदरलैंड ने जीते, 2 इंग्लैंड के हुए और 2 मैचेज जो ड्रॉ हैं। नीदरलैंड ने अब तक 4 मैचेज में 19 चार में 15 गोल कर दिए, अब तक 4 में नहीं मतलब जो 8 मैचेज हुए उसमें अब तक 15 गोल कर चुके हैं। और बात करें इंग्लैंड की, अब तक सिर्फ 7 गोल किए हैं, 2 मैचेज जो ड्रॉ रहे हैं। गोल स्कोरर इस सीजन की बात करें तो 4 जो है वेल्टन ने मारे, तीन 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 तीन, तीन जो है जिनेलो जर्बो और 3 जो है मार्टल फ्रेडरिक ने मारे। इधर से एक एक गोल किया वर्चुअन, क्लियरिंग फॉर्चून और डिकी ने। तो इंग्लैंड की तरफ से जो है हंटर, हावर्ड, रॉबर्टसन, टोमान और बाल्टसन, इन्होंने अब तक एक एक गोल किया। बात करें जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पिक बता रहा था इंग्लैंड की तरफ से, हाँ सॉरी मैं भूल गया आपको, लिली ओसले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रह सकती है आपके लिए, 5th हाईएस्ट स्कोरर थी पिछले सीजन में। बाकी वान मार्सकर 6th हाईएस्ट स्कोरर थी, और जो मार्टला फ्रेडरिक है जो आज इंक्लूड हुई है स्कोर में, वो थी 10 गोल के साथ 2nd हाईएस्ट स्कोर थी पिछले सीजन में। प्रोबेबल लाइनअप आप जो प्लेइंग 11 आप देख ही सकते हो, जोसे को नहीं, इनकी तरफ से गोल के पर रहेगी स्टैम, काय वान मार्सकर, वंडर रसिम, गेफेन, डी वार्ड, गोएड, न्यूनिक, क्लोरिंग, वेल्टन, और जो मेरी पिछली लाइनअप है उसमें सिर्फ एक ही चेंजेस था, फ्रेडरिक जिनेलो जर्बो की जगह मार्टला फ्रेडरिक आ सकती है। इंग्लैंड की तरफ से प्रिटचार्ड, अंसवर्थ, टोमान, बाल्सन, ये आपको डिफेंडर सेक्शन में मिल जाएगी। बाकी टाउनसेंड, रॉबर्टसन, हावर्ड और रेयर, ये आपको मिल जाएंगे जो है मिडफील्डर सेक्शन में। बाकी हंटर जो इन्होंने एक गोल किया था पिछले मैच में, ओसले और एलिजाबेथ, ये फॉरवर्ड सेक्शन। स्मॉलिक के सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस की बात करें तो वेल्टन वेल्टन और माटला काफ़ी सेफ है। डी वार्ड आप जो है माटला के साथ डी वार्ड को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, टोमान को बना सकते हैं, आज जो मोस्टली आएंगे वो आएंगे टोमान के कैप्टन के साथ, और वाइस कैप्टन माटला या वेल्टन किसी एक को। ग्रैंड लीग की बात करें जिनको सब इग्नोर कर रहे हैं, एलिजाबेथ नील, जैसे कल हंटर ने गोल मारा, एलिजाबेथ नील भी कैपेबिलिटी रखते हैं गोल करने की। एवर्ड गुइड जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस है उनके बेस पे तो सब ने इग्नोर ही कर दिया इनको, जिनेलो जर्बो और बाल्सन, ये आपके लिए ग्रैंड लीग की पिक हो सकती है। बाकी मैं अपनी टीम आपको दिखा देता हूँ अभी, तो इधर से मैंने जोसेफ कोनिंग को जो लिया हुआ है, बाकी आप अगर लेना चाहें तो सैबी हीस को ले सकते हैं इंग्लैंड की तरफ से गोलकीपर। मैं डिफेंडर की बात करें टोमान, काया वान मार्सकर, लुइस एंसवर्थ, और इधर से एक लॉरेंस स्टैम को पिक किया हुआ मैंने। अगर आप लेना चाहें तो इधर से बाल्टसन तो नहीं, वो तो क्रेडिट के लिए नहीं होगा, बाकी अगर लेना मार्गेट वान गेफेन को ले सकते हैं और स्टैम को ले सकते हैं, मैंने भी स्टैम को पिक किया हुआ। बाकी मिडफील्डर में जो एवर्ड गुइड, टैसा हावर्ड, जानडी वार्ड और ल्यूरिंग को पिक किया हुआ है। ल्यूरिंग की जगह आप अगर लेना चाहें तो इधर से टाउनसेंड है ऑप्शन, एक रॉबर्टसन है, और फेनिक्स जो आज इंक्लूड हुई है स्क्वाड में उनको आप पिक कर सकते हैं। ल्यूरिंग थोड़ी सेफ ऑप्शन है। बाकी इधर से फ्रेडरिक मातला को लिया हुआ है, लुइस ओसले को लिया हुआ है। अगर आपको वेल्टन को लेना है तो आप ल्यूरिंग को ड्रॉप करके ले सकते हैं, फिर आपको वेल्टन और मातला इनको लेना पड़ेगा। बाकी फिर जो 8 क्रेडिट बचते हैं उसमें आपको जो है होली हंट को ले सकते हैं जो आज ही इंक्लूड हुई है स्क्वाड के अंदर। बाकी एक ऑप्शन जो इंग्लैंड की तरफ से वो क्रैकल्स बचते हैं। सो अगर आपको लेना है वेल्टन को तो आप ऐसे पिक कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी क्रेडिट मैनेज करके दिखा दिया। बाकी मेरी यही टीम है, सो देख लेना आप। कैप्टन जो है मातला को किया हुआ है, वाइस कैप्टन जो मैंने तोमान को किया हुआ है, सेफ वाइस कैप्टन, कैप्टन वाइस कैप्टन जो मैंने पिक किया हुआ है, कैप्टन वाइस कैप्टन इंटरचेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है वाइस कैप्टन के ऊपर, काय वान मार्सकर को बना सकते हैं, डी वार्ड को बना सकते हैं, इधर से ओसले को बना सकते हैं। सो ये थे थोड़े, हाँ ओसले जो है रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन है, बाकी सेफ के लिए वान मार्सकर है, डी वार्ड है और तोमान। सो ये थी मेरी टीम अभी के लिए, और जो फाइनल टीम आएगी या लाइनअप आएगी तो वो हम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो ज्वाइन करना ना भूले उसको। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच का, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।